दोस्तों नमस्कार। जो आपके घर को लूटता रहे और आपको बर्बाद करने के ऊपर आमादा रहे, आप तो उसका गुणगान करेंगे, लेकिन जिसने आपको समृद्ध बनाया, आपकी संस्कृति को समृद्ध बनाया, आप उसका नाम भी नहीं लेंगे। क्या ऐसा कभी समाज में होता है? सोचिए जरा। जी हां दोस्तों, ऐसा होता है और हिंदुस्तान में होता है। मैं आपके सामने इस महत्वपूर्ण बात की चर्चा आज करूंगा, क्योंकि पिछले 7 दिन में मैंने जो इस देश में देखा और जो आने वाले दिनों में जिसकी चर्चा हम और करेंगे विद एविडेंस के साथ करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस देश का नागरिक होने के नाते हमें यह जानने का हक है कि जिसने इस देश को समृद्ध बनाया उसको हमारी सरकारें क्यों भूल गई। दोस्तों पिछले 7 दिन करीब 1500 किलोमीटर की मैं तमिलनाडु की यात्रा पे था। वहां पे 13 महत्वपूर्ण मंदिरों के मैंने दर्शन किए। वो रिलीजियस टूर नहीं था, एक एजुकेशनल टूर था। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या नॉर्थ इंडिया में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, क्या हम भारत को समझ सकते हैं, या हमको जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है क्या वास्तव में वो हिंदुस्तान को रिफ्लेक्ट करता है, या किसी विकृत मानसिकता के द्वारा हिंदुस्तान में एक कुंठा को स्थापित करने के लिए कुछ लोगों का षड्यंत्र है जिसको हम एजुकेशन सिस्टम के रूप में अपना चुके हैं। मुद्दा बहुत गंभीर है दोस्तों, और मैं आपके सामने आज कुछ बारीक तथ्य रखूंगा और आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसपे हमें फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ये पता लग सके कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध था और हमें क्यों जानबूझ के इस सभ्यता से वंचित रखा गया। एक हिसाब से अगर मैं ये कहूं कि आपके पूर्वजों के इतिहास के बारे में आपको नहीं बताया गया, अगर ये कहूं कि आपके पूर्वज बहुत समृद्ध थे, बहुत समझदार थे, लेकिन आपको ये बताया गया कि नहीं, आपके पूर्वज कायर थे, घबराते थे, छुप गए थे, आपको कैसा लगेगा? यही धोखाधड़ी हिंदुस्तान में हमारे हिस्टोरियन ने हिंदुस्तान की जनता के साथ किया और उसका समर्थन दिया लगातार सत्ता पे बैठने वाले राजनीतिक लोगों ने। कुल मिलाके भारत की संस्कृति और भारत की भव्यता के साथ एक सुनियोजित धोखाधड़ी का प्रयास था। मैं आज आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रख रहा हूं, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, कई एपिसोड्स में हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ एक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों अक्सर हमने ये सुना होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य बड़ा था, कोई दूसरा साम्राज्य बड़ा था। क्या आपको पता है कि दुनिया में लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी कहां थी? लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी हिंदुस्तान, और वो थी चोला डायनेस्टी। तीसरी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चोला साम्राज्य का असर भारत की राजनीतिक और भौगोलिक स्थितियों पर रहा। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना समृद्ध साम्राज्य दुनिया में कहीं नहीं था। इस हजार साल के इतिहास को हमें स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इनके योगदान को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? जिन लोगों ने इस देश में आक्रमण किए, इस देश को बर्बाद किया, उसके लिए पूरे स्कूल की टेक्स्ट बुक भरी पड़ी, चाहे वो मुगल हो या ब्रिटिशर्स हो। लेकिन भारत के गौरवशाली इतिहास को हम लोग नहीं पढ़ाते। क्या हमारे हिस्टोरियन इनकॉम्पिटेंट थे, मेंटली करप्ट थे, या वो किसी एजेंडा के तहत काम कर रहे थे? क्योंकि आप और हम अगर इन महान स्थानों की अगर एक बार दर्शन भी कर लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि हिंदुस्तान का इतिहास कितना समृद्ध था। लेकिन सो कॉल्ड सरकारी तनख्वाह लेने वाले हिस्टोरियंस और सो कॉल्ड हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स क्या इस बात को देश की जनता को नहीं बता सके कि हिंदुस्तान का जो इतिहास वो कितना भव्यशाली था?
ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्या हमें ऐसे हिस्टोरियंस को और ऐसे नेताओं को माफ करना चाहिए जिन्होंने इस देश के साथ धोखाधड़ी करी? इस पे हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अक्सर अगर ये देखा जाए, हम ये कहते हैं, एक और मैं उदाहरण देता हूं, मिस्र की हम बात करते हैं। मिस्र के पिरामिड को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं होती हैं कि इतना बड़ा पिरामिड, एक एक पत्थर ढाई ढाई टन का। दोस्तों, आपको पता है कि मिस्र के पिरामिड में पत्थर का वजन मात्र ढाई टन था, और जो चोला राज्य में, जो अगर हम ये कहूं जो मंदिर बने, और तंजावुर का जो मंदिर है उसके ऊपर, जो शीश के ऊपर, मंदिर के जो शिखर के ऊपर जो पत्थर लगा है, उसका वजन 25 टन है। उसकी चर्चा क्यों नहीं होती कि इतनी ऊंचाई तक वो 25 टन का पत्थर कैसे ले जाया गया होगा? उस समय तो कोई क्रेन्स नहीं थी, और 300 फीट के ऊंचाई तक ले जाना उस पत्थर को, 25 टन के पत्थर को, कैसे संभव हुआ होगा? और मंदिर के गुंबद के ऊपर उसको स्थापित करना, और सही जगह पे स्थापित करना। आपको पिरामिड के पत्थरों पे कोई कलाकारी नहीं दिखती है, लेकिन जो चोला टेम्पल्स हैं उस पे जो अभूतपूर्व कलाकारी आपको दिखती है वो उस पत्थरों पे है। इसका मतलब हर पत्थर को बारीकी से तराशा गया और उसको उसके स्थान तक पहुंचाया गया, और सही दिशा में सही कैलिब्रेशन करके उसको स्थापित किया गया। क्या ये अपने आप में विज्ञान नहीं है? क्या हमें नहीं लगता कि हमने बहुत बड़ी विरासत को कहीं खो दिया है, यहां तक कि हमारे हिस्टोरियंस और सरकारों ने हमें बताने तक की भी कोशिश नहीं करी? क्या इस देश के साथ धोखाधड़ी नहीं है? हम मिस्र की बातें कर लेते हैं, लेकिन अपने देश की चीजों के बारे में हमें नहीं बताया जाता। ऐसा क्यों है दोस्तों? इसके बारे में हमें सोचना होगा। फिर हमें ये अक्सर कहा जाता है, अगर हम बात करूं कि पूरे दुनिया में हम नेवी की आज बात कर रहे हैं। आपको पता है चोला साम्राज्य, मैं बात कर रहा हूं आज से 1300-1400 साल पहले की, उस समय चोला साम्राज्य की नेवी इतनी शक्तिशाली थी कि उनका प्रभाव 14 देशों तक था। 14 देशों में चोला साम्राज्य के अपने अधिकार क्षेत्र थे, जिसमें अब सुमात्रा यानी इंडोनेशिया तक चोला साम्राज्य का असर था। नॉर्थ में अगर मैं कहूं पाटलिपुत्र, गंगा के तट से लेकर नीचे श्रीलंका, मालदीव्स और बर्मा, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, 14 ऐसे देश थे जहां पे चोला साम्राज्य का आधिपत्य था। बगैर नेवी के, नौसेना के, क्या यह संभव था? हम आज बात करते हैं कि पुर्तगाल की नौसेना, स्पेन की नौसेना या ब्रिटिशर्स की नौसेना बहुत सक्षम थी, तभी उन्होंने पूरे दुनिया में जाके कॉलोनीज बनाई। लेकिन दोस्तों, चोला साम्राज्य की जो नौसेना थी वो आज से करीब 1200-1300 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। क्या ताजुब नहीं होता कि इतनी बड़ी दुनिया में एक नौसेना बना के उसका संचालन करना और अलग अलग देशों तक पहुंचाना? हमें अक्सर एक बात और बताई जाती है कि ब्रिटिशर्स ने हमें ब्यूरोक्रेसी दी, निश्चित रूप से दी, लेकिन डिफेक्टिव इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। एक्चुअली सबसे एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का जो निर्माण हुआ, या जिसको मैं कहूं जिसकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वो थी चोला साम्राज्य। इतने बड़े भूभाग पे 1000 साल तक शासन करना क्या बगैर एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी के हो सकता था? सोचिए दोस्तों कि इतने बड़े भूभाग में गंगा से लेकर नीचे श्रीलंका तक, उधर जावा सुमात्रा तक, इधर अलग अलग द्वीपों पे चोला साम्राज्य का कब्जा, और उन सब का संचालन 1000 साल तक करना, क्या ये बगैर ब्यूरोक्रेसी के सबमिट था? क्या ये पॉसिबल था? क्योंकि जब तक आप डेलीगेशन नहीं देंगे, जब तक आप पावर्स को डेलीगेट नहीं करेंगे, मैनेजमेंट को डेलीगेट नहीं करेंगे, तो वहां विद्रोह होंगे, और जब विद्रोह होंगे तो आप साम्राज्य को कैसे चला पाएंगे? तो क्या हमें नहीं लगता कि जो सबसे एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी वो चोला साम्राज्य ने दी थी, ना कि ब्रिटिशर्स ने? लेकिन हम
इसकी भी चर्चा नहीं करते। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि चोला साम्राज्य ने मंदिर बनाए थे, निश्चित रूप से मंदिर बनाए थे, लेकिन ये जो मंदिर थे ये अपने आप में इकोनॉमिक सेंटर भी हुआ करते थे। इन मंदिरों के आसपास पूरे गांव की व्यवस्थाएं चलती थी। आज भी अगर आप चले जाएं तमिलनाडु के जितने बड़े शहर हैं, अगर आप वहां से मंदिर हटा दें तो वहां क्या बचेगा? आज अगर चिदंबरम शहर से नटराज जी का मंदिर हटा दीजिए, वहां क्या बचेगा? मदुरई में आप मीनाक्षी टेम्पल हटा दीजिए, मदुरई का स्टेचस क्या रहेगा? कहने का मतलब यह है कि इन मंदिरों ने भारत की सभ्यता के साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का भी रास्ता साफ किया था, लेकिन हमारे यहां पे इन बातों की चर्चा नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि जो मंदिर अपने आप में एक जो सोशल इंस्टीट्यूशन था, जो अपने आप में एक कल्चरल सेंटर था, जो अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर हाउस था, हम उस मॉडल की आज चर्चा ही नहीं करते। हमने उसको एक सीमित दायरे में रिलीजियस एक्टिविटी करके छोड़ दिया। क्या ये उचित है दोस्तों? सोचिएगा इसके बारे में। 13 जगह की यात्रा करने के बाद मुझे लगता है दिल्ली में बैठ के अगर कोई भी इंसान ये सोचता हो कि उसको भारत के बारे में पता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हिस्टोरियन हो, वो अपने आप को ही धोखे में रख रहा है, भारत को नहीं। भारत की हकीकत आप तभी पहचानोगे जब आप घूमोगे। तो दोस्तों मेरा निवेदन है आपसे, जब भी मौका मिले आप अपने आसपास नियर बाय शहरों में जाइए, अलग अलग राज्यों में जाइए और देखिए कि कितनी जबरदस्त रिच कल्चरल हेरिटेज हमारा है। हम अक्सर ताजमहल की चर्चा करते हैं कि एक सुंदर इमारत है। अगर आप जाके मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल अगर आप देख लेंगे तो लगेगा कि ताजमहल उसके आगे कुछ भी नहीं। ये बात अलग है कि हमारे जो राजनीतिक दल रहे आजादी के बाद और जो हमारे हिस्टोरियंस रहे, मीडिया रहा, उन्होंने ताजमहल को जरूर ख्याति दिलवाई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर मैं 10 के पैमाने पे, 0 से 10 के पैमाने पे अगर मैं मीनाक्षी टेम्पल को अगर 10 पे रखता हूं तो ताजमहल 2 या 3 के स्थान पे आएगा। इतना फर्क है, एक बार आप जाके देखिए। मेरे से अगर आप पूछेंगे कि आप उसका विवरण कैसे करेंगे तो मैं कहूंगा आई एम स्पीचलेस। उस जमाने में इस भव्य प्रतिमाओं को और भव्य मंदिर के बारे में सोचना, कारीगरी करना और उस क्राफ्ट को जहां पे मॉडर्न मशीनें नहीं थी, इतना बारीकी से और इतनी खूबसूरती से, इतनी सफाई से बनाना, ये तभी हो सकता है जब पूरा का पूरा वर्कफोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड हो और राजा उस पे खुद क्वालिटी कंट्रोल की निगाहें रखता हो। ये सुपरवाइजर्स और डेलीगेशंस और सरकारी इंजीनियर्स के भरोसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो कमिटमेंट लेवल है वो सिर्फ राजा ही दे सकता था। तो दोस्तों इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान में इतनी रिच सभ्यताएं हैं कि जितना हम उसके बारे में जानेंगे हम अपने आप को एनरिच्ड महसूस करेंगे। आज एक हफ्ते की इस यात्रा के बाद मैं जितना भारत के बारे में सम्मान करता था, आज मेरा सम्मान हमारे इतिहास को लेके, हमारी कल्चरल संस्कृति को लेके, हमारे इतिहास में बनने वाले जो ग्रंथ थे, जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो स्ट्रक्चर्स थे, अगर आप उसको देखेंगे तो आपका देश के प्रति सम्मान और बढ़ जाएगा। आज के वीडियो में मुझे आपको, आप इसको ही समझ सकते हैं, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं और बहुत सारी चर्चाएं आने वाले दिनों में आपके साथ करूंगा। मेरा निवेदन आपसे है कि इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं और डिटेल में विद एविडेंस करूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जब भी मौका मिले
भारत के महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन करिए, बच्चों को साथ में लेके जाइए, टाइम लगाइए, हो सके तो पहले पढ़ के जाइए उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में, वहां के स्ट्रक्चर्स में, आर्ट के बारे में। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद पे भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप जब गए थे और आने के बाद आप में खुद में कितना फर्क आया। उम्मीद है दोस्तों आपके शहर के आसपास भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट होंगे। मेरा निवेदन है उनकी स्टडी करिए, उनके बारे में इंटरनेट पे लिखिए, दुनिया को बताइए कि भारत का इतिहास, हिंदू संस्कृति कितनी महान थी। जो पेड हिस्टोरियन है वो ये न्याय नहीं कर पाएंगे, ये आप ही कर पाएंगे। इसलिए अपने क्षेत्र, अपने जिले के बारे में जितना हो सके दुनिया को जानकारी दीजिए, सरकारों के भरोसे ना रहे। आज इंटरनेट ये ताकत देता है कि हम अपने विचार प्रकट कर सके, इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस भाषा में लिख रहे हैं और किस भाषा में बात कर रहे हैं, बस अपनी बात रखिए, दुनिया को अपने शहर, अपनी संस्कृति के बारे में जानने का मौका दीजिए। ये समाज के प्रति आपका एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दोस्तों आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।